द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, यानी इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की हदें कितनी थीं, यानी कौन से ऐसे ग्रुप थे जो इसमें शामिल नहीं हो पाए थे और ये मूवमेंट कहाँ तक चली। नॉट ऑल द सोशल ग्रुप्स आर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, सारे ही सोशल ग्रुप जो थे वो इस गांधी जी के स्वराज वाले कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं आ गए थे। अब ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट उस चीज़ को कहते हैं जो आपकी सोच में हो, कल्पना में हो, लेकिन वो हकीकत में ना हो, उसकी कोई रियलिटी ना हो। तो स्वराज एक गांधी जी का आइडिया था कि अपना राज आएगा, स्वराज आएगा, लेकिन उस स्वराज को किसी ने देखा नहीं था। तो सारे ही जो सोशल ग्रुप थे वो स्वराज वाले आइडिया के पीछे नहीं आए। वन सच ग्रुप वॉज द नेशंस अनटचेबल्स, हु फ्रॉम अराउंड द 1930s हैड बिगेन टू कॉल देमसेल्फ दलित्स और ऑप्रेस्ड। ऐसा ही एक ग्रुप था जो इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, जो अनटचेबल्स थे यानी अछूत। ये लोग अपने आप को 1930s से अपने आप को दलित और ऑप्रेस्ड यानी उत्पीड़ित, यानी इस पर जुल्म किया गया हो, वो अपने आप को कहने लगे कि हम दलित हैं और हमारे पर जुल्म किया गया है। फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैज़ इग्नोर्ड द दलित्स फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग सनातनीज द कंजर्वेटिव हाई क्लास हिंदूज। लंबे समय तक कांग्रेस ने इनको इग्नोर किया और नज़रअंदाज किया, दूर रखा अपने से इन दलित्स को, क्योंकि उनको ये डर था कि जो सनातनीज हैं यानी जो कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू हैं, कंजर्वेटिव के बारे में हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जो अपने पुराने कल्चर और अपने पुराने ट्रेडिशन को पकड़ के चलने वाले होते हैं, वो अपने आप को अपने चेंज नहीं लाना चाहते, और जो उनकी पुरानी संस्कृति होती है और जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका होता है उसी को वो पकड़ कर चलते हैं, तो उसको कंजर्वेटिव कहते हैं। तो ये जो कंजर्वेटिव ऊंची जात के हिंदू थे जिन्हें सनातनीज कहते हैं, इन कांग्रेस को ये डर था कि ये नाराज़ हो जाएंगे। बट महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 ईयर इफ अनटचेबिलिटी वॉज नॉट एलिमिनेटेड। लेकिन गांधी जी ने साफ कर दिया कि 100 साल तक भी हम अगर कोशिश करते रहेंगे तो भी स्वराज नहीं आएगा अगर ये अनटचेबिलिटी को हमने नहीं अपने देश से दूर किया। ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन। गांधी जी इन अनटचेबल्स को हरिजन कहते थे। और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेंपल्स, एसेस टू पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड एंड स्कूल। तो गांधी जी इनको हरिजन कहते थे और चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहते थे, और गांधी जी ने इसके लिए सत्याग्रह किया कि इनको मंदिर में जाने की परमिशन मिले, ये भी मंदिर में जा सकें, और जो आम कुएं हैं, वेल्स हैं, वहाँ से ये लोग अपना पानी वगैरह निकाल सकें और टैंक्स का इस्तेमाल कर सकें, रोड पे चल सकें और स्कूल्स में जा सकें, जो कि पहले इनको परमिशन नहीं थी, ये सब नहीं कर सकते थे। तो गांधी जी ने इनको ये हक दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द भंगी द स्वीपर्स। तो गांधी जी ने टॉयलेट को साफ किया ताकि वो जो भंगियों का काम है, जो स्वीपर्स का काम है, उसकी वो शोभा बढ़ा सकें, यानी उसकी कीमत बढ़ा सकें कि ये कोई काम छोटा नहीं है। हाँ, कोई ये काम कर रहा है लेकिन ये कोई काम बुरा नहीं है। तो गांधी जी जैसे कोई बड़ा आदमी अगर ये काम करेगा तो एक उस काम को करने वाले जो लोग हैं, जो असल में वो हमेशा करते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ेगी। एंड परसुएडेड अपर कास्ट टू चेंज दियर हार्ट एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी। और ऊंची जाति के लोगों को इस बात के लिए तैयार किया कि अपना दिल बड़ा करो, अपने दिल को बदलो, और ये जो तुम पाप कर रहे हो अनटचेबिलिटी वाला, ये जो गुनाह कर रहे हो, इसको छोड़ दो। बट मैनी दलित लीडर्स वर कीन ऑन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशन सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी। लेकिन बहुत सारे दलित लीडर थे वो कोई दूसरा ही राजनीतिक रास्ता ढूंढ रहे थे और कोई हल ढूंढ रहे थे अपनी जो कम्युनिटी है दलित्स के प्रॉब्लम के लिए। दे बिगैन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ, वो अपने आप को संगठित करने लगे, अपना संगठन बनाने लगे, डिमांडिंग रिजर्व सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और ये डिमांड करने लगे कि हमें जो है, जैसे स्कूल कॉलेज है यानी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस है, वहाँ पर उनको सीट रिजर्व मिले, उनको आरक्षण मिले। एंड अ सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज दलित मेंबर्स फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और उनको सेपरेट इलेक्टोरेट हासिल हो, ये क्या होता है? अब जो दलित लीडर थे उनकी डिमांड ये थी कि जहाँ पर दलित ज़्यादा हैं वहाँ पर उस एरिया की सीट को रिजर्व कर दिया जाए दलित्स के लिए, यानी वहाँ पर सिर्फ दलित कैंडिडेट ही इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। यहाँ तक तो ठीक है, ये तो अभी भी है, बहुत सारी सीटें रिजर्व हैं जहाँ पर सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग ही इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट की, यानी उस जगह पर जहाँ पर अगर दलित कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो वहाँ वोट सिर्फ दलित कैंडिडेट दे सकते हैं, यानी उस एरिया के अंदर नॉन दलित जो है वो वोट ही नहीं डाल सकते। इसको कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी हमारे ही दलित्स ही वोट करेंगे सिर्फ। तो ये उनकी डिमांड थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो ताकि हम दलित मेंबर को चुन सकें लेजिस्लेटिव काउंसिल में। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, यानी राजनीतिक तौर पर उनको पावर मिले, ताकत मिले। दे बिलीव
वो रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दियर सोशल डिसेबिलिटी। उनको यकीन था कि हमारे पास अगर राजनीतिक ताकत मिलेगी, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा, तो हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, जो समाज में हमको परेशानी झेलनी पड़ी है, डिसेबिलिटीज़ जो झेलनी पड़ी है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज देयरफॉर लिमिटेड। तो दलित्स का जो पार्टिसिपेशन था इस मूवमेंट के अंदर, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, बहुत ज़्यादा लोग इसमें नहीं पार्टिसिपेट किए थे, पार्टिकुलरली इन द महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। खासतौर से महाराष्ट्र और नागपुर में, जहाँ पर ये दलित्स की जो ऑर्गेनाइजेशन थी बहुत ज़्यादा मजबूत थी, तो वहाँ तो बिल्कुल ना के बराबर लोग इस मूवमेंट में शामिल हुए थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हु ऑर्गेनाइज द दलित्स इनटू डिप्रेस क्लास एसोसिएशन इन 1930s, क्लैशेज विद महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो जो बी अम्बेडकर जी थे, उन्होंने दलित्स को एक एसोसिएशन था, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, उसके अंदर इनको शामिल कर दिया था 1930 के अंदर। तो इनका टकराव हो जाता है गांधी जी से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स। तो ये भी गए हुए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए और गांधी जी भी गए हुए थे, तो इनका आपस में टकराव हो जाता है, क्योंकि अम्बेडकर जी की डिमांड थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट हमको मिले। इसके बारे में बता चुके हैं सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, तो दलित्स के लिए वो चाह रहे थे। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अम्बेडकर्स डिमांड, तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट तैयार हो गई अम्बेडकर जी की डिमांड को पूरा करने के लिए कि ठीक है आपके लिए हम सेपरेट इलेक्टोरेट कर देंगे, गांधी जी बिगैन टू फास्ट अनटू डेथ। तो गांधी जी आमरण अनशन पे चले गए कि हम भैया ना खाएंगे ना पिएंगे जब तक हमारी डिमांड ना पूरी होगी। ही बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द दलित्स वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। उनको ये मानना था गांधी जी का कि अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट कर देंगे तो दलित्स पूरी तरह से हमारे समाज के अंदर घुल मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि गांधी जी की एक कोशिश थी कि अपर कास्ट के लोग इनको एक्सेप्ट कर लें और मिल कर रहें, लेकिन अगर ये सेपरेट इलेक्टोरेट बना लेंगे तो एक देश के अंदर भी अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेंगे। अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी इस पोजिशन एंड द रिजल्ट वॉज द पूना पैक्ट ऑफ सेप्टेम्बर 1932। और आखिरकार अम्बेडकर जी ने गांधी जी की इस पोजिशन को समझा और उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया और पूना पैक्ट हुआ सेप्टेम्बर 1932 में। इट गेव द डिप्रेस क्लास लेटर टू बी नोन एज शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट इन द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसमें क्या हुआ, जो डिप्रेस क्लास के लोग थे, जैसे कि शेड्यूल कास्ट के, जिनको बाद में शेड्यूल कास्ट का नाम मिला, उनको रिजर्व सीट मिली प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यानी जो स्टेट के इलेक्शन होते हैं वहाँ पर और सेंट्रल के इलेक्शन में भी इनको रिजर्वेशन ऑफ सीट मिला, लेकिन जनरल इलेक्टोरेट के साथ, यानी ठीक है आपकी कोई सीट हम फिक्स कर देंगे और उस पर आप दलित ही कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, लेकिन वहाँ वोटिंग सारा ही लोग देंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या था कि सिर्फ दलित ही वोट करें, लेकिन यह है कि अब उस जगह पर सारे ही लोग वोट कर सकते हैं। द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यू टू बी एप्रिहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट। तो जो दलित्स की मूवमेंट चल रही थी उनको अभी भी कांग्रेस की इस नेशनल मूवमेंट से डर था, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये तो अपर कास्ट के लोगों का साथ दे रहे हैं, तो उनको इस मूवमेंट से, नेशनल मूवमेंट जो कांग्रेस चला रही थी, उससे डर था। सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वर ऑल्सो ल्यूकवॉर्म इन देयर रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कुछ मुस्लिम भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थी भारत के अंदर, वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में शामिल होने के लिए। ऐसा क्यों हुआ था? आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। इसलिए हुआ था क्योंकि नॉन कोऑपरेशन, जो खिलाफत मूवमेंट कमज़ोर हुई और उसको वापस लिया गया, तो जो मुस्लिम्स थे वो अपने आप को कांग्रेस से अलग महसूस करने लगे, दूर महसूस करने लगे। From the mid-90s, the Congress came to be more visibly associated with the openly Hindu religious nationalist group like the Hindu Mahasabha. तो जो mid-1920s था उसमें Congress को इस तरह देखा जाने लगा कि ये जो Hindu religious nationalist group है, जैसे Hindu Mahasabha, तो Congress Hindu Mahasabha से ज़्यादा करीब हो गई, तो इस तरह से देखे जाने लगा कि ये Congress जो है वो हिंदुओं के साथ मिल गई है, यानी खास ये जो Congress है ये हिंदुओं का साथ दे रही है। As a relation between Hindus and Muslims worsened, each community organized religious processions with militant fervors. और जैसे जैसे हिंदू मुस्लिम के रिश्ते खराब होते गए, तो दोनों ही लोगों ने, हिंदू ने भी मुस्लिम से भी, वो धार्मिक जुलूस निकालने लगे और उसमें शामिल होने वाले जो लोग थे वो जोश के साथ लड़ाई करने पे उतारू थे कि हम लड़ेंगे, और जोश था उनके अंदर, प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेज एंड राइट्स इन वेरियस सिटीज। और हिंदू मुस्लिम के कम्युनल झगड़े हुए और दंगे हुए बहुत सारे शहरों के अंदर। एवरी राइट डिपेंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। और हर झगड़ा और हर दंगा इन दोनों कम्युनिटीज़, यानी हिंदू और मुस्लिम के बीच की दूरी को और बढ़ा रहा था। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट टू री
negotiate an alliance, and in 1927 it appeared that such a unity could be forged. कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने आपस में मिलकर कोशिश की कि हम आपस में मिल जाएं और गठबंधन कर लें, और 1927 में ऐसा लगा भी कि हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, आपस में सुलह हो जाएगी. द इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेज वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबलीज दैट वर टू बी इलेक्टेड. लेकिन जो डिफरेंस था, जिस बात पे असल वो लोग एग्री नहीं कर पा रहे थे, वो रिप्रेजेंटेशन था कि आगे जो फ्यूचर असेंबलीज बनेंगी उसमें रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा. अब ये रिप्रेजेंटेशन का क्या मामला है, ये आगे अभी हम डिस्कस करेंगे, इसमें आएगा. मोहम्मद अली जिन्ना वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम लीग वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट्स. तो मुस्लिम लीग का एक लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड है उसको हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, कि ठीक है हमें आप सेपरेट इलेक्टोरेट ना दीजिए, लेकिन अगर इफ मुस्लिम वर एश्योर्ड रिजर्व सीट इन द सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस. सेपरेट इलेक्टोरेट आप ना दो, लेकिन मुसलमानों को ये आप भरोसा दिलाओ, ये विश्वास दिलाओ कि हमें रिजर्व सीट मिलेगी सेंट्रल असेंबली में, जैसे शेड्यूल कास्ट को मिल रही है, वैसे कुछ सीटें ऐसी होंगी जहां सिर्फ मुस्लिम ही खड़ा हो सकता है. और ये तो हो गया सेंट्रल मामले में. अब जो प्रोविंसेस है, यानी उस समय तो प्रोविंस होता था, अब स्टेट का हम नाम जानते हैं, तो स्टेट्स के अंदर, उन स्टेट्स के अंदर जहां मुस्लिम ज़्यादा हैं, तो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ पर लीडर चुने जाए, यानी जो जितने पॉपुलेशन होगी उस एरिया के अंदर, जैसे कि बंगाल और पंजाब की बात हो रही है, तो चूंकि बांग्लादेश अलग हो गया है, तो बंगाल में अगर पूरा मिला लिया जाए बांग्लादेश, तो वो मुस्लिम्स वहाँ पर ज़्यादा थे. इसी तरह पंजाब के एरिया जो पाकिस्तान में चला गया, तो अगर उसको मिला लिया जाए और पूरा अगर हम मैप देखें, तो पंजाब में और बंगाल के अंदर मुस्लिम ज़्यादा थे. तो जितने परसेंट मुस्लिम हैं उतने परसेंट जो हो विधायक होंगे, एमएलए होंगे, वो होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, पंजाब में अगर 70% मुस्लिम हैं, तो पंजाब के अंदर जो विधायक हैं 70% वो मुस्लिम ही होने चाहिए. तो ये डिमांड थी कि सेंट्रल में रिजर्वेशन मिले सीट में, और जिस राज्य के अंदर मुस्लिम ज़्यादा हैं वहाँ पर जितने हैं ज़्यादा, जितने परसेंट हैं उतने ही परसेंट हमको विधायक मिले, उतने ही रिप्रेजेंटेशन मिले. तो यही है वो रिप्रेजेंटेशन वाला मामला है. नेगोशिएशन ओवर द क्वेश्चन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूड, बट ऑल होप ऑफ रिजॉल्विंग द इशू at the all party conference in 1928 disappeared when M.R. Jaikar of the Hindu Mahasabha strongly opposed efforts at compromise. तो ये बात चल रही थी और समझौता चल रहा था, लेकिन सारे इस मामले पर और सारे इस negotiation पर जो उम्मीदें थी, वो उम्मीदें तब ख़त्म हो गई जब all party conference हुई 1928 के अंदर, जिसमें M.R. Jaikar जो थे हिंदू महासभा के, उन्होंने बहुत ही strongly इस बात का अपोज किया जो डिमांड थी जिना की, कि हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और कोई भी आपकी बात नहीं मानी जाएगी. तो मामला आकर यहाँ ख़राब हो गया. When the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between the communities. तो जब ये सारी चीज़ों के होने के बाद जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई, तो एक शक शुभा था दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, और विश्वास नहीं था हिंदू मुस्लिम्स के अंदर. एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम could not respond to the call of a united struggle. अब कांग्रेस से अलग होकर जो ज़्यादातर जो मुस्लिम्स थे, उन्होंने इस जो यूनाइटेड स्ट्रगल चल रही थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, उसमें जो है वो शामिल नहीं हुए. मैनी मुस्लिम लीडर एंड इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेस दियर कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ द मुस्लिम एज माइनॉरिटी विद इन इंडिया. और बहुत सारे जो मुस्लिम लीडर थे और जो बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने इस बात की चिंता थी कि मुस्लिम माइनॉरिटी में है, यानी पॉपुलेशन के हिसाब से हिंदू के कंपैरिजन में वो कम है इंडिया में. दे फियर्ड दैट द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज वुड बी सबमर्ज्ड अंडर द डोमिनेशन ऑफ हिंदू मेजॉरिटी. उनको इस बात का डर था कि जो माइनॉरिटीज हैं, यानी खास तौर से मुस्लिम्स की बात कर रहे थे, उनका जो कल्चर है और उनकी जो पहचान है वो खो जाएगी हिंदू मेजॉरिटी के अंदर रहकर. यानी उनका ये सोचना था कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर हमें हिंदू कल्चर को फॉलो करने के लिए मजबूर किया जाए और हमें अपना कल्चर हम भूल जाएं, या किसी और वजह से हमारा जो अपना कल्चर है, अपनी जो पहचान है, वो खो जाए. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.